24 Live Review. बिहार विधानसभा चुनाव में युवा वोटरों की भागीदारी अहम रहने वाली है। जन अधिकार पार्टी से लगातार युवा जुड़ रहे हैं जो आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित जाप के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रिंस विक्टर यादव के निजी आवास पर आज कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रिंस विक्टर यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के माननीय प्रिंस विक्टर यादव जी। आज हम उनसे कुछ सवाल करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका बिहार में बाढ़ को लेकर क्या ख्याल है, क्या कहना है इस पर आपको? बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, आना तय है। यह बाढ़ नेता और पदाधिकारी के मिली भगत से बाढ़ को लाया जाता है, यहाँ के किसान और गरीब आदमी को तबाह करने के और उसका वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। जब बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो बिहार सरकार और खास करके कोसी सीमांचल मिथिलांचल की जनताओं ने जिस भी दल को अपना समर्थन दिया है उसी दल की सरकार बनी है। और फिर कोसी सीमांचल मिथिलांचल के आम आदमियों के साथ धोखा क्यों, सौतेलापूर्ण व्यवहार क्यों, क्यों नहीं? मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं हाईडैम की व्यवस्था आपने किया? अगर आप हाईडैम बनवा देते तो बिहार खास करके उत्तरी बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निजात मिल जाता, और आप जानबूझ करके इसमें आपको अपार कमाई होती है, इसलिए आपने भेदभाव कर यहाँ के जनताओं के साथ आपने धोखा किया है। धोखा ही नहीं, माँ धोखा किया है। आप वादा करते हैं कुछ, निभाते भी नहीं हैं। कोसी सीमांचल के हर जिले में हर साल किसान को क्षति का, कोई भी फसल का उसे रुपया नहीं मिलता, इस पर आपका क्या कहना है? इस साल भी अररिया जिला में किसी भी किसान को अभी तक धान की फसल की क्षति का एक भी रुपया नहीं आया, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये तो हम पहले ही आपको बता दिए कि नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से बाढ़ आती नहीं है, बाढ़ को लाया जाता है चुनाव के समय में। और बाढ़ के नाम पर नेता और पदाधिकारी मालोमाल हो जाते हैं, कहीं छिटपुट व्यक्ति को लाभ देके लाभ देता है और बाद बाकी या तो उसका खाता गलत हो गया, नाम सही नहीं है, 200 नहीं 50 आदमी का नाम दो, भेदभाव करते करते समय समाप्त हो जाता है और आम जनता को लाभ नहीं मिलता है। अररिया जिला के छः विधायक सांसद के मुंह में आवाज़ नहीं है, इस लोग को भी मोटा रकम मिलता है, इसके बगल में रिश्वत मिलता है। विधायक का घर जिस गांव में है उस गांव में भी लाभ नहीं मिलता है। एक विधायक के घर को बचाने के लिए हजारों घर को बर्बाद किया जाता है, बांध नहीं काटने दिया जा रहा था कि मछली पोखर का मछली समाप्त हो जाएगा, लेकिन हजारों घर बर्बाद हो गया, यही कारनामा है। मेरा एक सवाल ये भी है कि बिहार शिक्षा व्यवस्था लेकर, जहाँ की लॉकडाउन में सभी चीज़ें अभी खुले हुए, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बाकी सभी चीज़ दुकान खुले हुए, लेकिन बिहार का स्कूल खुला हुआ नहीं है, ना ही एक कोचिंग खुला है, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेकाले ने कहा था, मेकाले का कथन है कि जिस राज्य में या जिस देश में लंबे समय तक राज करना हो तो वहाँ के शिक्षा को समाप्त कर दो और कानून व्यवस्था को समाप्त कर दो, तभी हम अधिक समय तक राज करेंगे। ये मेकाले का कथन था। आज उसी का, वो अंग्रेज था जो हम पे शासन किया, आज
उनके जाने के बाद उन्हीं के सिद्धांत पर फूट डालो और राज करो की नीति पर ये हमारे नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक जो शिक्षा मंत्री होते थे और उसकी पत्नी प्राइवेट स्कूल का बिहार एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है, दोनों तरफ का माल आप ही खाते हैं, चोर चोर मोसेरा भाई, फिर शिक्षा की बात हम कहाँ से करेंगे जी। आपका एक आज तक आपने कभी सदन में नहीं सुना होगा और कभी डिबेट में आप नहीं देखे होंगे कि शिक्षा पे कभी बहस होती है जी। आपका धन्यवाद कि आप हमारे धराधर न्यूज के लिए कुछ समय निकाल कर हमारे साथ खास बातचीत किए और